हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बाजरा खिचड़ी, या इसे पर्ल मिलेट पॉरिज भी आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही नॉन रेसिपी है राजस्थान की, एंड स्पेशली इसे सर्दियों में बनाया जाता है। तो इसके लिए देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पर इंग्रीडियंट्स लिए हैं। तो 2 कप मैंने बाजरे को हल्का हल्का पानी डाल के इसको भिगो दिया है। सिर्फ जब तक बाजरा गीला हो जाए उतना ही पानी हमें इसमें डालना है, और इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करके 25 से 30 मिनट तक हम रख देंगे। ये देखिए, ये 25 से 30 मिनट मैंने रख दिया था। इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे, 2-3 बार घुमा घुमा के आप इसे करें। और हमें आटा नहीं बनाना है, इसे मोटा मोटा ही इसको रखना है, जैसे दलिया हो जाता है ना, वैसे ही हमें बाजरे का दलिया बनाना है। देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही मैं इसको सारा पीस लूँगी। और इसमें मैं दाल मिला दूँगी। 2 कप मैंने यहाँ मूंग की दाल ली है, छिलके वाली। ये काफ़ी अच्छी होती है डाइजेशन में भी, और ये खिचड़ी है वो भी काफ़ी पौष्टिक हो जाती है। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाकर हम साइड में रख देंगे, और मैं 2 लीटर के आसपास पानी को गर्म कर लूँगी। पहले पानी गर्म करके ही हम इसमें डालेंगे, अदरवाइज़ लम्प्स ज़्यादा पड़ जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिलाते रहेंगे, क्योंकि बाजरे की खिचड़ी में जो बाजरा है वो काफ़ी लम्प्स देता है। तो वो हम अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिला लेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे करना है, और हिलाते रहेंगे जब तक कि ये उबलने लग जाए। और इसमें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम अगर आप कर दोगे तो ये उफन कर बाहर आ जाएगी, और अच्छे से पकेगी भी नहीं और सारी निकल जाएगी बाहर। तो आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएं, और बार बार हम इसको स्टर करते रहेंगे, वरना जो ये बाजरे की खिचड़ी है ये पैन में चिपक जाती है। और इसे हम बीच बीच में स्टर भी करते रहेंगे, क्योंकि नीचे बाजरे की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हमें इसे बार बार मिक्स भी करना होगा। तो ये बाजरा जो है सबसे पुराना अनाज है, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से लोग इसे उगाते आ रहे हैं। इसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू एंड उड़िया में बाजरा कहते हैं, और तमिल एंड मलयालम में कोम्बो। अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। ये ग्लूटेन फ्री होता है, जो जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, जैसे गेहूं, चावल या मक्का से, तो वो बाजरा आसानी से खा सकते हैं। इसमें विटामिन बी के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, पोटेशियम, कॉपर, जिंक होता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 14% प्रोटीन होता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना चाहते हैं तो ये बाजरे को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये मार देता है। ये छोटे बच्चों के लिए भी परफेक्ट फूड है। बाजरे में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो जो जिन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो वो इसे खा सकते हैं। बाजरा हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, साथ ही ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और लंबे समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, एंड हमारे जो भूख हंगर है उसको फील नहीं करता करवाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है वेट लॉस में भी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो आप ये बिल्कुल बना कर खाइए। सर्दियों में गरम गरम खिचड़ी खाने में बड़े मज़े आते हैं। आप इसे दही के साथ, कढ़ी के साथ, या फिर ऐसे ही घी डालकर खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।